इंडिया हैज वॉन द एशिया कप और ना ही सिर्फ वो जीते हैं बल्कि उन्होंने डोमिनेट किया है, पहले पाकिस्तान को और उसके बाद श्रीलंका को, और श्रीलंका को तो बड़ी ह्यूमिलिएटिंग डिफीट उन्होंने दी है फाइनल के अंदर। वर्ल्ड कप कुछ ही हफ्ते दूर है, दैट ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन कि क्या इंडिया इस परफॉर्मेंस के बाद फेवरेट्स हैं फॉर द वर्ल्ड कप। आई थिंक दे आर डेफिनेटली फेवरेट्स, स्पेशली विद द कॉन्फिडेंस जो एशिया कप जीतने के बाद उनको मिल रहा है। दे विल बी गोइंग इन रियली स्ट्रांग एंड रियली कॉन्फिडेंट इन टू द वर्ल्ड कप। तो बात करते हैं उनकी परफॉर्मेंस की, जो उनकी की परफॉर्मेंसेज रही है एशिया कप के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम बॉलिंग से। बॉलिंग में विद बुमराह कमिंग बैक इनटू द अटैक एंड दैट डेफिनेटली एड्स लॉट ऑफ वैल्यू। और उसके बाद सिराज जो कि एक्सलेंट फॉर्म में रहे हैं, हमने देखा है खासतौर पर फाइनल में किस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है श्रीलंका के अगेंस्ट। एंड देन कुलदीप यादव स्पिनिंग द बॉल ऐसी कंडीशंस में जहां पे जनरली बाकी बॉलर्स की स्पिन नहीं होती है। आई थिंक ये एक बड़ा फॉर्मिडेबल बॉलिंग अटैक जो है वो बन गया है इंडिया का और एक मेजर थ्रेट है फॉर एनी बैट्समैन जो क्रिकेट वर्ल्ड कप में फेस करेंगे इंडिया को। So, बात करते हैं सिराज की। सिराज के करियर में उन्होंने 29 मैचेस खेले हैं जिसमें से वो 53 विकेट्स ले चुके हैं विद एन एवरेज ऑफ 19, विच इज वेरी गुड फॉर अ फास्ट बॉलर। इन 53 विकेट्स में से भी मेजर विकेट्स जो है उन्होंने तकरीबन 29 विकेट्स वो इंडिया के अंदर ली हैं और इंडिया में उनकी एवरेज है 15 की, विच मीन्स कि उनको अपनी होम कंडीशंस को बड़े अच्छे तरीके से यूज करना आता है। फिर बात करते हैं बुमराह की। बुमराह वी ऑल नो इज द यॉर्कर स्पेशलिस्ट और अच्छी पेस जनरेट करते हैं और कंसिस्टेंट विकेट टेकर रहे हैं इंडिया के लिए। एंड देन कमिंग बैक टू कुलदीप यादव, आई थिंक फॉर मी ही वाज द स्टार परफॉर्मर फॉर इंडिया। फाइनल में नो डाउट सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और मेजर विकेट्स उसने ली श्रीलंका के अगेंस्ट, बट बाकी मैचेस में जो पहले पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ और फिर बाद में श्रीलंका के अगेंस्ट हुआ जो सुपर फोर में हुआ था, आई थिंक उसमें जो कुलदीप की बॉलिंग थी वो बड़ी जबरदस्त थी। ऐसी कंडीशन में बॉल स्पिन हो रही थी जहां पे जनरली बाकी स्पिनर्स की नहीं हो रही थी, तो ये एक बड़ी कमेंडेबल परफॉर्मेंस थी उनकी। कुलदीप ने लगभग 88 मैचेस खेले अपने करियर में जिसमें वो 150 प्लस विकेट्स ले चुके हैं विद एन एवरेज ऑफ 25, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। इन 150 विकेट्स में से तकरीबन 100 विकेट्स जो हैं वो इंडिया में ले चुके हैं, ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया में मैचेस भी उन्होंने ज्यादा खेले हैं। और इंडिया में उनकी एवरेज थोड़ी सी ज्यादा रही है तकरीबन 30 के करीब, बट देन अगेन आई थिंक ही हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट इन इंडिया एंड बॉलिंग रियली गुड, स्पेशली जो हमने श्रीलंकन पिचेस के अंदर देखा है। दिस इज नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी सॉ इन एशिया कप। आई थिंक ऐसी ही परफॉर्मेंस हमें वर्ल्ड कप में नजर आएगी। तो ऑल टुगेदर ये एक बड़ा डेंजरस बॉलिंग अटैक है जो इंडिया का है। अब आते हैं हम बैटिंग की तरफ। सो बैटिंग के अंदर हमने देखा कि शुभमन गिल जो है वो एक स्टार परफॉर्मर रहे हैं। तो एक मैच जो पाकिस्तान के साथ था पहला जो कि कंप्लीट भी नहीं हुआ था, उसके अलावा आई थिंक he has shown why he is a top tier batsman, बड़े consistent हैं। उन्होंने तकरीबन 33 matches खेले हैं अपने career में और उनकी average है of 64, जो कि if I'm not wrong तो highest है for any batsman अभी तक, which is an amazing record। और उसके साथ साथ उन्होंने इंडिया के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया है। विद इन इंडिया उनकी जो एवरेज है वो 64 रही है, आउटसाइड ऑफ इंडिया थोड़ा सा उन्होंने स्ट्रगल किया है एंड ही इज येट टू परफॉर्म अगेंस्ट बिगर टीम्स आउटसाइड ऑफ इंडिया, बट अगेंस्ट बिगर टीम्स इनसाइड ऑफ इंडिया हम देख चुके हैं जैसे न्यूजीलैंड थी और अभी आगे वर्ल्ड कप भी होगा, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला, श्रीलंका के अगेंस्ट खेला। आई थिंक दैट वॉज रियली ग्रेट डिस्प्ले ऑफ बैटिंग एट दिस यंग एज, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सीम्स वेरी काम एंड कंपोज सॉर्ट ऑफ प्लेयर जो कि प्रेशर को इतना इजीली नहीं लेता है। तो आगे हम बात करते हैं विराट कोहली की। सो विराट कोहली वी ऑल नो इज अ बिग मैच प्लेयर, उसमें कोई शक नहीं है कि विराट कोहली जो है वो बड़े नंबर्स बड़ी टीम्स के अगेंस्ट जो है वो स्कोर करेंगे। पाकिस्तानीज इंडियंस जो सारे हैं वो दे लव टू सी विराट कोहली स्कोरिंग एंड दे लव टू सी विराट कोहली प्लेइंग हिज अमेजिंग शॉट्स, चाहे वो कवर ड्राइव्स हों या आउटसाइड ऑफ द ग्राउंड सिक्सेस हों। And so I think in itself Virat Kohli is a big threat to any team and any bowler, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अलावा मैं बात करूंगा जो इंडिया के पास इस वक्त एक ऑलराउंडर है एंड आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, और वो है हार्दिक पांड्या। चाहे वो बैट हो, इंडिया अंडर प्रेशर हो, विकेट्स जल्दी गिर गई हो, वो लोअर द ऑर्डर आकर जो है वो मिडिल ऑर्डर में इंडिया को संभालता है, बड़ी शॉट्स भी खेलता है, ही नोज हाउ टू कन्वर्ट सिंगल्स इनटू डबल्स। और उसके बाद बॉलिंग की अगर बात करें तो वी ऑल नो कि बॉलिंग में भी अब वो अपेरेंटली स्विंग भी कर लेते हैं बॉल और अच्छी लाइन रखते हैं बॉल की, ज्यादा रन नहीं देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो एक
बिग 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 एसेट है हार्दिक पांड्या, और ऐसे ऑलराउंडर्स जो हैं वो बाकी टीम्स के पास मौजूद नहीं हैं जो कि उनको बैटिंग में और बॉलिंग में इक्वली गुड जो है परफॉर्मेंस दें। सो आई थिंक हार्दिक पांड्या इन इटसेल्फ जो है एक की परफॉर्मर होगा इंडिया के लिए, स्टैंड आउट करेगा। अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप जीतता है तो आई एम प्रीटी श्योर हार्दिक पांड्या की एक अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन होगी इसके अंदर। सो दैट बींग सेड, आई थिंक इंडिया कंसिडरिंग जो उनकी परफॉर्मेंस रही है एशिया कप के अंदर और जो उनके स्टार प्लेयर्स रहे हैं और जिस फॉर्म में उनके स्टार प्लेयर्स हैं, आई थिंक इंडिया कॉन्फिडेंस के साथ और सर ऊंचा करते हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर एंटर होंगे। और रिसेंटली एक ट्रॉफी जीत लेना आई थिंक एक बड़ा कॉन्फिडेंस देता है टीम को, एंड आई थिंक इंडिया वुड वांट टू, दे शुड ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ दैट कॉन्फिडेंस जो उनको मिला, जो पुश मिला उनको ये ट्रॉफी जीतने से, एंड ऑल ऑफ सडन दे आर नाउ कंसिडर्ड द फेवरेट्स। एंड इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह की उनके पास टीम है दे कैन डिफीट एनी टीम ऑन देयर डे एंड दे आर वेरी लाइकली टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ देयर होम कंडीशंस। सो वी कांट वेट फॉर द वर्ल्ड कप टू स्टार्ट, एंड दैट्स इट फ्रॉम टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर न्यूज, मोर एनालिसिस एंड मोर अपडेट्स रिगार्डिंग क्रिकेट। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक इट and subscribe to my channel. I will see you guys in the next video. Tab tak ke liye, Allah Hafiz.